नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। गणेश महोत्सव आ गया है, जिसके लिए हम गणेश जी के भोग के लिए मोदक बना रहे हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का आटा तैयार करेंगे। चावल का आटा, ये हम कढ़ाई में जितना आपको चावल का आटा लेना है उतना ही आपको पानी डालना। एक कटोरी चावल का आटा हमारा था, ये कटोरी है, इसी कटोरी से भर के 200 ग्राम चावल का आटा था और उतना ही पानी। पहले हम कढ़ाई में पानी डाल दिए थे, पानी खौलने लगा, उसमें चावल के आटा को डाल के चला के अच्छी तरह से इसको हम ढक दिए थे। अभी ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मसल मसल के हम अच्छा सा सॉफ्ट इसका डो बनाएंगे। उसके बाद मुझे लेना है मेवा, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। हम थोड़ी सी बादाम काट लिए हैं, काजू है, नारियल इसका मेन है, नारियल आपको ज़रूर लेना है। आप कच्चे नारियल से भी बना सकते हैं, मेरा ये सूखा नारियल है और ये गुड़ है हमारा। पहले बादाम डालेंगे, देसी घी हमने डाला था 1 चम्मच, घी हमारा गर्म हो गया था, कढ़ाई हम थोड़ा पहले ही रख दिए थे। काजू डाल दिए, इस तरह से मेवा जब भी आप यूज़ करें भून करके ही, तभी आपका मोदक अच्छा बनेगा। काजू और बादाम हमारा भुन चुका है, अब हम नारियल डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस इसको चला देंगे। अब इसी में हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ आपको क्रश करके महीन कर लेना है, अपने पसंद के अनुसार जैसा मीठा पसंद करें उतना गुड़ इसमें डाल देना है। बचा ले रहे हैं, इसको हम मिलाते हुए चलाएंगे। गैस बिल्कुल धीमी रखेंगे, बस गुड़ हमारा अच्छी तरह से इसमें पिघल के मिल जाना चाहिए। रहे हैं तो वो और जल्दी मिल जाएगा। आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है, बस ऐसे ही एकदम धीमी आंच पर गुड़ को आपको पिघला लेना है इसी मेवे के साथ। गुड़ अच्छी तरह से हमारा मिल गया है, गैस हम बंद कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा भरावन, फिर हम इसकी गोलियां बना के रख लेंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, ये हमारा चावल का आटा है, इसको अच्छी तरह से हमने मसल के इस तरह से कर लिया। चावल का आटा आपको इसके लिए मोदक के लिए महीन लेना है, और जब आप इसको आटे को हलवा जैसा बनाएं तो जितना आटा उतना पानी रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा आप 2-4 चम्मच पानी रख सकते हैं ज़्यादा, और उसमें थोड़ा घी डाल देना है, 1 चम्मच छोटे चम्मच से घी डाल देना है, तो अच्छे से आटा आपका तैयार हो जाएगा। और यदि आप बाद में आपको सूखा लगे तो आप 1-1 चम्मच गर्म पानी लेके आटे को सही कर सकते हैं। इधर हम ये लड्डू की तरह बना के तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आपको लड्डू बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि बाद में जैसे गुड़ मेल्ट होने के बाद कड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा गुनगुना रहे तभी आप इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। अभी इसको हम भरेंगे, और इधर हम कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है, जाली वाली थाली रख देंगे, इसी पे हमें मोदक बना के रखना है। एक हम आपको बना के दिखाते हैं, आप चाहें तो इसे बेल के भी बना सकते हैं। हल्का सा घी लगा करके इसको बेल लें इस तरह से। एक इसमें डाल के फिलिंग, हाथ में हल्का सा तेल लगा लेना है। इससे चावल का आटा चिपचिपा होता है, आपके हाथ में ना लगे। इस तरह से आपको आकार देना है। उसके बाद आपको कांटे वाले चम्मच की सहायता से ऐसे आपको डिजाइन कर लेना है। ये 2 मोदक किस तरह से हमने बना के रखे हैं, इसको हम ऐसे रख देंगे।
जाली वाली थाली पे और इसको ढक देंगे। सभी मोदक थोड़ा सा इस तरह से हमें फ्लैट कर लेना जिससे ये थाली पर टिक जाए। सभी मोदक इस तरह से हम बना के रख देंगे, गैस तेज कर देंगे, ढक देंगे इसको कम से कम 10 मिनट के लिए। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, 10 से ज़्यादा ही हो गए हैं, 10-12 मिनट हम देख लेते हैं। गैस हम बंद कर दे रहे हैं, इसको चक्कू से हम देखेंगे, बिल्कुल लग नहीं रहा है, ये पूरी तरह से भाप में पक चुका है। गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल करके प्लेट में इसकी प्लेटिंग कर देंगे। दोस्तों हमारा मोदक बनकर के तैयार है। इस तरह से आप भाप पर मोदक बनाइए, गणेश भगवान को भोग जरूर लगाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।